जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे लोग विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तमाम स्टॉक्स जहां नीचे की तरफ जा रहे हैं, जहां आपको उसके शेयर प्राइस में रेड रेड दिखाई देगा, लाल निशान दिखाई देगा, यहां पे आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। स्टॉक में थोड़ा सा मूवमेंट होते हुए भी दिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा इसके वॉल्यूम में लगातार तेजी आते हुए दिख रही है। तो उसी का ये नतीजा है कि शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी भी तेजी यहाँ से देखने को मिलेगी। अब आपको करना ये है कि बस धीरज बना के रखना है, जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है और जो हाल फिलहाल दिनों में इसमें पैसा लगा है उन्हें भी। ओवरऑल इसमें हम लोग कंपनी के संपूर्ण काम धाम, फंडामेंटल और टेक्निकल चीजों को समझेंगे और मैं बताऊंगा कि कंपनी लंबी अवधि में निवेश के लिए काफी फायदेमंद है। आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो उसको बना के रखे रहिए। बीएससी की वेबसाइट पर जो आप देखेंगे तो पाएंगे कि विकास लाइफ केयर लिमिटेड में कोई भी रेड फ्लैग का निशान नहीं है, यानी कि ना तो स्टॉक एएसएम ना जीएसएम की कैटेगरी में। सामान्यतः जो इन दिनों देखेंगे तो आप तमाम जो पेनी स्टॉक्स हैं, चाहे एम पावर इंडिया हो गया, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, तमाम स्टॉक ईएसएम की कैटेगरी में यहाँ पे बंधे हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो ईएसएम जीएसएम की कैटेगरी से अभी ऊपर है और इसमें आपको हाल फिलहाल दिनों में लोअर सर्किट भी लगते हुए नहीं दिखेगा। लास्ट जो इसमें लोअर सर्किट लगा था 14 मार्च को लगा था लोअर सर्किट, अब इसमें अपर सर्किट लगने का समय आ गया है। यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक में ₹5.30 पे अपर सर्किट भी लग जाएगा, यानी कि जो अभी इसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है ₹5 करीब, वो बहुत नज़दीक है अपने अपर सर्किट लिमिट के। और आप जानते हैं कि जब भी किसी स्टॉक में अपर सर्किट लगता है तो उसका प्राइस तेजी से फिर ऊपर की तरफ प्राइस जाने लगता है और बहुत ही इसका प्राइस अभी जो ₹5 करीब है, मुझे उम्मीद है कि कल हो सकता है कि इसमें अपर सर्किट भी आपको देखने को मिले, कल या परसों तक इसमें अपर सर्किट लगने की संभावना है। हालांकि लोअर सर्किट ₹4.80 के पास है, लोअर सर्किट भी करीब है, लेकिन जिस हिसाब से इस स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ने के बेसिस पे ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें तेजी आएगी और तेजी आएगी तो इस स्टॉक में अपर सर्किट लगेगा। प्राइस एंड परफॉर्मेंस में देखेंगे तो एक सप्ताह और एक मंथ का रिटर्न को यदि हम लोग छोड़ दें तो ओवरऑल जो पिछले 3 मंथ, 6 मंथ एंड साल भर से ज़्यादा का रिटर्न है, सब आपको ग्रीन में दिखाई देगा। अच्छा खासा इस स्टॉक्स ने रिटर्न पिछले कुछ दिनों में बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इस वजह से यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो इसमें बने रहने की सलाह दी जाएगी, आगे भी इसमें अच्छे खासे रिटर्न आपको मिलने के चांसेज रहेंगे। वहीं पर अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी आप देखेंगे आज के दिन तकरीबन 50 लाख के आसपास इसमें कारोबार होते हुए दिखाया। कल के डेट में सिर्फ 51 लाख के आसपास कारोबार हुआ था, यानी कि इसमें जो तेजी है, जो बाई सेल है वो बढ़ते जा रहा है, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब फिर से इसमें नए बायर्स आ रहे हैं तो बायर्स आएंगे तो स्टॉक का प्राइस आपको ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं कोई यदि नया व्यक्ति है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी के लिए स्टॉक्स कैसे है जिसका पहले से भी इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से सुनिए। यदि हम लोग इस कंपनी के काम को समझे तो मल्टीपल बिजनेसों में कंपनी खुदी हुई है, तमाम अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। सबसे पहले इसका जो मेन काम है वो तो पॉलीमर्स एंड केमिकल का है ही, केमिकल के सेक्टर से बाहर निकले कंपनी। अब एफएमसीजी, आपको एफएमसीजी के बिजनेस में तो 2 साल हो गया है, एफएमसीजी हेल्थ केयर के बिजनेस में भी आ गई है। और आपको देखेंगे तो ये कंपनी ईवी पीवीसी पाइप वगैरह भी बनाती है, साथ में इसकी बात करें तो कंपनी होटल्स लाइन में भी अब आने के लिए तैयार है, होटल्स के सेक्टर में भी कंपनी में काम करेगी और भी तमाम चीज़ों में कंपनी कारोबार करती हुई नजर आएगी। आप यहाँ पे स्क्रीन वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा कंपनी का काम है, डिटेल्स भी आप गूगल पे इसको देख सकते हैं। तो काम के बेसिस पे तो शेयर प्राइस में लंबी अवधि में तेजी बने रहने के चांसेस रहेंगे और प्राइस धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, कमाने वाले तो इसमें कमा भी रहे हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल की, देखिए तकरीबन इसको आप 825 करोड़ मान के 1000 करोड़ के आसपास का इसका वैल्यूएशन मानी, क्योंकि शेयर प्राइस अभी कंसोलिडेशन एज में है, निकलने के बाद मार्केट कैप उसमें और तेजी आ जाएगी। और स्टॉक का पी यहाँ पे नहीं है, हम लोग खैर चार्ट पर लेवल देख के इसमें बाई सेल या एग्जिट एंट्री का लेवल ढूंढेंगे। शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा ये बढ़िया बात है और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये यहाँ पे आपको माइनस में दिखेगा, ये कुछ समय में प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में होना जरूरी है। एक साल के चार्ट पर देखेंगे तो स्टॉक आपको जिसमें बताया कि ग्रीन बार में फंसे हुआ आपको दिखेगा, ₹6 से लेकर इसका ₹5 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस दिखेगा इसी लेवल में। देखिए प्राइस इस रेंज से ऊपर निकलने के बाद ऊपर गया भी था, लेकिन यहाँ से फिर से प्राइस इसी रेंज में आके घूमने लगा। अब क्या होगा, कुछ दिनों तक इसी रेंज में प्राइस घूमेगा और फिर इसमें समय बिता के प्राइस ऊपर निकलेगा तो इजिली आपको 8 से 10 रुपये तक, शॉर्ट टर्म में बात करूँ यहाँ तक जाते हुए दिखेगा 8 से 10 रुपये तक। तो जिन लोगों ने मान लीजिए काफी टॉप पे बाइक कर लिया, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइक किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइक किया होगा, तो उन्हें घबराने वाली कोई बात नहीं, प्राइस इसके नीचे आने के चांसेस कम रहेंगे, थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि इस लेवल तक आ जाएगा। और इसी रेंज में जो समय बिता रहे हैं यहाँ से ऊपर निकलेगा और आपको 8-10 रुपये तक जाते हुए दिखेगा, तो जहाँ पर भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप बेच के निकलना चाहे तो निकल सकते हैं, वरना यदि लंबी अवधि के निवेशक उसमें बने रहेगा, क्योंकि प्राइस जहाँ से उठना शुरू है प्राइस यहाँ से ऊपर ही जा रहा है और प्राइस लंबे समय में ऊपर ही जाएगा। और भी तमाम चीज़ देखेंगे, कंपनी का यदि बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास जो डेप्ट था पहले कर्जा बैलेंस शीट में देखेंगे तो कर्जा आपको कम होते हुए दिखा है, और ये किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। पहले जहाँ 30 करोड़ के आसपास कर्जा था सिर्फ 26 करोड़ के आसपास रह गया, ये अच्छी बात होती है कि रिजर्व जो पैसा है जो कंपनी के पास कैश पैसा है वो भी आपको बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो कंपनी का कैश पैसा है यह भी आपको लगातार और लगातार बढ़ते हुए दिखा है। ओवरऑल बात करें कंपनी में इन्वेस्टर्स की, जो इसमें प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी ठीक ठाक है, 10% के आसपास है, हालांकि पिछले कुछ समय में कम हुई है लेकिन इंडिया स्टॉक में ये घटते बढ़ते रहते, तो उससे पर ध्यान नहीं देना। मेन चीज़ है कि इसमें एफआईआर और गवर्नमेंट के भी थोड़े बहुत आपको
हिस्सेदारी दिखेगी पब्लिक की, तो हिस्सेदारी में जो है क्योंकि मल्टीपल बिजनेस में कंपनी खुली हुई है तो एफआईआई की इसमें हिस्सेदारी होना लाजिम, और जिस स्टॉक्स में एफआईआई होता है तो उसमें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो वो काफ़ी बेहतर होता है। तो इसलिए आपका विकास लाइफ केयर में इन्वेस्टमेंट है तो आपको इसमें समय देना चाहिए। बाकी स्किल्टेड मन में कोई सवाल है कन्फ्यूज कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और जो भी आपको इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन है व्यक्तिगत रूप से जो भी जुड़कर बातें करना था तो उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।